कांग्रेस का आंतरिक संकट, वंशवाद, परिवारवाद और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की दुरावस्था का प्रतीक है। एक विपक्षी पार्टी जिसका आज हम जो हश्र देख रहे हैं, वो आंतरिक लोकतंत्र की कमी और जिस तरह से नौ सीखिए परिवार का कोई भी व्यक्ति बने नेता, लेकिन यदि वो अनुभवहीन होगा तो वो इस तरह की बातें करेगा जो आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कपिल सिब्बल के लिए और गुलाम नबी आज़ाद के लिए राहुल गांधी ने कही। हम तो नहीं कहते, जमाना कहता है कि पप्पू हैं, हम नहीं कहते, लेकिन ये सिद्ध करती है सब चीज़ें कि आप क्या हो। इसलिए कांग्रेस का संकट आसमानी नहीं सुल्तानी संकट है और हमें दुख है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का क्षरण एक दिन में नहीं हुआ। 1969 से जिस तरह से कांग्रेस का विभाजन हुआ, संगठन कांग्रेस और सत्ता कांग्रेस, उसके बाद में इंदिरा कांग्रेस और कांग्रेस एस बनी, इस तरह से एक वर्टिकल विभाजन लगातार कांग्रेस के होते रहे, उसकी परिणति है कि बाद में नहीं संभले। एक बड़ा आभा मंडल के पास आकर तो वो चलता रहा सत्ता के कारण काम, लेकिन जब सत्ता नहीं रही तो नीचे का पूरा किला ध्वस्त हो गया और आज उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि इतनी पुरानी पार्टी जिसको ये खुद कहते हैं, जबकि वो तो कभी से ब्रेक हो गई, उस पार्टी के की स्थिति आज पूरे देश में हास्यास्पद हो गई है। जो दावा करती थी कि हम देश पर राज करेंगे, उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।